प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में धर्म जागरण समन्वय के तत्वाधान में खिरनी बाग रामलीला मैदान में विशाल श्री राम कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें कलश यात्रा को लेकर आज महिलाओं की एक विशेष बैठक आर्य महिला डिग्री कॉलेज में आहूत की गई। इस संबंध में आप क्या कहना है आपका? प्रभु श्री राम की बड़ी कृपा है और उनकी कृपा से ये शाहजहांपुर जनपद में एक भव्य राम कथा का आयोजन धर्म जागरण समन्वय विभाग, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का विभाग है, उसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस राम कथा में जो राम कथा की अमृत वर्षा होगी, उसके लिए हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास अतुल कृष्ण भारद्वाज जी महाराज जो हैं, वो यहाँ पर आएंगे और उनकी वाणी से जो राम कथा सुनेंगे और हम सब जितने भी हैं भक्त, उनके जो अमृत रूपी जो वर्षा होगी वाणी की, उसका हम आनंद लेंगे। जनपद वासियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जनपद वासियों के लिए कहना चाहेंगे कि भगवान राम ने केवल सभी जाति, सभी बिरादरी, सभी को साथ में लेकर चलना सिखाया, हम सबको एक रहना सिखाया, और जो भी अन्याय रूपी रावण था उसका वध करना हम सब ने मिलके उसमें देखा है भगवान राम की कथा में कि किस तरह से हुआ है। तो जनपद वासियों से यही कहना चाहेंगे, किसी भी परिस्थिति में कोई जाति धर्म कोई भेद ना करके सब इकट्ठे रहें, और अन्याय रूपी रावण कहीं पर भी दिखाई दे तो उसके खिलाफ हम संघर्ष करें और भगवान राम की कृपा से उस संघर्ष को जीतने की हम उपलब्धि करें। मैं जनपद वासियों से एक और अनुरोध करना चाहूंगा कि ये कथा अपने आप में बहुत भव्य है, खिरनी बाग के मैदान पर होगी और इसमें वो सभी आप सभी लोग यहाँ पर आए और इस कथा में आनंद लें। इस कथा में जो हमारे कथा व्यास हैं उनको जो बताएंगे उनका श्रवण करें और भगवान राम के आशीर्वाद को ग्रहण करें। सर्वप्रथम प्रांत प्रमुख धर्म जागरण दिनेश लवानिया जी ने श्री राम जय राम का जाप कर बैठक की शुरुआत की और माताओं व बहनों ने सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पण कर धूप दीप जलाकर उनकी वंदना की। तत्पश्चात माता और बहनों से कलश यात्रा को लेकर उनसे चर्चा की व सबकी राय जानी। इस दौरान माताओं और बहनों से कलश यात्रा को लेकर रणनीति तैयार की गई और उनसे जाना गया कि कलश यात्रा को विशाल रूप कैसे दिया जाए। वो भी अपना ऑर्डर देंगे, उनके भी लगेंगे, मीडिया का काम भी तेज गति में चलेगा, लिखना पत्रकारों में अपने अपने पत्रकार एल के मिश्रा जी हैं, रामवरण जी और अमित त्यागी जी और राहुल जी, ऐसे राहुल से चार लोग मिलकर सारा मीडिया का नियोजन करेंगे। प्रसाद मिलेगा सबको, बहुत ही सुंदर 9 दिन का मीनू बन रहा है और सबको प्रसाद, इतनी बड़ी कथा हो रही है, प्रसाद अच्छा मिलना चाहिए। तो ऐसे अपने राकेश जी हैं, राकेश जी पांडे जी अपने, और राम कथा कैसे सफल बनाया जाए इस पर भी चर्चा हुई। साथ ही प्रांत प्रमुख धर्म जागरण दिनेश लवानिया जी ने 11 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक खिरनी बाग के रामलीला मैदान में चलने वाली श्री राम कथा में सभी को कुछ दायित्व सौंपे और सभी से आह्वान किया। शाहजहांपुर में यह अभी तक की सबसे विशाल श्री राम कथा होने जा रही है, जिसमें पूरे भारत से लगभग 5000 लोग श्री राम कथा में शामिल होने जा रहे हैं। अतः सभी इस राम कथा को संपूर्ण कराने के लिए तन मन और धन से जुट गए। इस दौरान बैठक में अध्यक्ष नवनीत पाठक, जिला पंचायत अध्यक्ष अजय प्रताप यादव, प्रांत प्रमुख धर्म जागरण दिनेश लवानिया, जेपी मिश्रा, कलश यात्रा संयोजक अजय अग्निहोत्री, सह संयोजक विनोद शुक्ला, अरविंद वाजपेयी, अजय अग्निहोत्री, राजकमल वाजपेयी, रूपेश वर्मा, रजनी सिंह, सैफाली वाजपेयी, बिंदु मिश्रा, महिमा शुक्ला, अनीता कश्यप, अंजू राजरानी, निशा गुप्ता, रेणु गुप्ता, दीप्ति त्रिपाठी, सरोज गीता त्रिपाठी, अंशु राजानी, रचना अवस्थी, सीमा वाजपेयी आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे।